₹10 का फूलों का हार चढ़ाया और अपना मांग पत्र बाबा के आगे बढ़ाया। मैंने कहा शिरडी के साईं बाबा मेरी लॉटरी लगा दो, मुझे अच्छी सी नौकरी पे लगा दो, मेरे लिए प्यारा सा बंगला बना दो और एक सुंदर सी लुगाई। तो बाबा के मूर्ति में से आवाज आई, बोले इतना ज्यादा मांगने वालों का मुझे बहुत गुस्सा आता है मद्रासी, तू ₹20 की रिचार्ज में पूरी कंपनी खरीदना चाहता है। भगवान से इतना ज्यादा भी न मांगे, खुद का कॉन्फिडेंस ऊंचा होना चाहिए। जैसा आपने कवि सम्मेलन को रखा, आप चाहते तो यहाँ राखी सावंत का शो भी कर सकते थे, मगर आपने कवि सम्मेलन को रखकर समाज की कलाई पर जो साहित्य की राखी बांधने का प्रयास किया है, उस प्रयास को हम सारे कवि प्रणाम करते हैं। आनंद जी अच्छी अच्छी बातें, मेरे भाई संजय बंसल जी ने की महिलाओं के बारे में बहुत कुछ कहा। महिलाएं बुद्धिमान होती है सर, हमारे देश में सम्माननीय सरल जी यहाँ विराजमान है, देश में सारे बड़े बड़े पद जो है वो महिलाओं के पास है, वो इसलिए क्योंकि महिला बुद्धिमान होती है। 8 मार्च महिला दिवस के दिन मैंने पत्नी से पूछा, मैंने कहा ये बता महिलाएं काय का रूप है, बोले शक्ति का। मैंने कहा पुरुष, बोले सहन शक्ति का। सम्मान्य सर मैं जब भी कोई नई कविता लिखता हूँ सबसे पहले पत्नी को बताता हूँ, वो मुझे ₹500 देती है, कहती है प्लीज सुनाओ मत। आनंद ने पूरे पारिवारिक कवि सम्मेलन का एक दिन सर मैंने उससे अजीब प्रश्न किया, मैंने कहा ये बता भगवान राम को वनवास हुआ था और उसके बावजूद सीता मैया उनके साथ राजपाट सब छोड़ के जंगल में चली गई, इस बात से तुझे मिली कोई सीख है? पत्नी बोली जिसकी 3-3 सास हो उस भव का जंगल जाना ही ठीक है। महिलाएं बुद्धिमानी से काम लेती है सर। मैंने एक दिन पत्नी से पूछा, मैंने कहा ये बता कवि और पागल में क्या अंतर है? बोले पागल सुधर भी सकता है। सम्मान्य भाभी जी मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ हमारी हेड क्लर्क है नायडू मैडम, हमेशा माथे में बड़ा सा टीका लगाती। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, मैंने कहा मैडम आप इतना बड़ा टीका क्यों लगाती? बोले पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। हर भारतीय महिला यही चाहती है उनके पति का स्वास्थ्य अच्छा हो, उनकी लंबी आयु हो। पर मैंने एक दिन देखा भाभी जी नायडू मैडम छोटा टीका लगा के आई। मैंने कहा मैडम क्या हुआ? बोले आपके भैया का स्वास्थ्य ठीक नहीं। जब मैडम दूसरे दिन आई उससे भी बारीक टीका लगा के आई। मैंने कहा मैडम, बोले आपके भैया को आईसीयू में रेफर किया गया। जब मैडम तीसरे दिन आई तो माचिस के गुल जैसा बारीक सा टीका लगा के, मैंने कहा मैडम, बोले आज उनका ऑपरेशन है। उसके बाद नायडू मैडम 20 दिन तक नहीं आई। 20 दिन का जब वापस ऑफिस में आई तो फिर से बड़ा टीका लगा के आई। मैंने कहा भैया ठीक हो गए? बोले वो तो निपट गए, मैंने दूसरी शादी करी। हंसी अपने आस पास है सर। हमारे हिंदू धर्म में एक धारणा है, सम्मान्य संपत दादा यहाँ विराजमान है, हमारे हिंदू धर्म में एक धारणा है सर कि भगवान शंकर को तीसरी आग दी गई, पर मेरी व्यक्तिगत धारणा यह है कि महिलाओं के पास भी तीसरी आग होती है। महिला जान जाती है कौन सा पुरुष उसे किस नजर से देख रहा। आपकी सुंदर महिला की तरफ गौर से देखो तो बाजू वाली महिला से कहेगी देखो कैसा कुत्ते जैसा देख रहा, और आप न देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा। समय कम है, आपको सम्मान्य संपत दादा को भी सुनना है, पर सर आदमी जैसा दिखता वैसा होता नहीं है, मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। जैसा दिखता वैसा होता नहीं है सर। मेरा एक दोस्त है 5-6 दिन पहले, बोले कि एक बार घर पर आ, मैं उसके घर गया तो उसका लड़का सामने आया, बोले अंकल नमस्ते ले पानी पियो। मैंने कहा बेटा तेरा नाम क्या है? बोले अंकुश। मुझे बहुत खुशी हुई, कितना अच्छा नाम है अंकुश। मैं भी पानी पी रहा था तो एक बच्ची सामने आई, बोले अंकल नमस्ते। मैंने मित्र की तरफ देखा, मित्र बोला ये मेरी छोटी बेटी प्रगति। मैंने कहा गजब कर रहा है, तू पहला आदमी है जो अंकुश के बाद प्रगति कर रहा है। आनंद ले पूरे पारिवारिक कवि सम्मेलन का, मैंने कहा गजब कर रहा है, तू पहला आदमी है जो अंकुश के बाद प्रगति कर रहा है। सम्मान्य सरदार जी मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, एक वकील है, हम तीनों साथ में बैठे थे। मेरे डॉक्टर दोस्त ने अनायास ही कह दिया, बोले हम डॉक्टर है सफेद कोट पहनते, कितने अच्छे दिखते, तुम वकील हो काले कोट क्यों पहनते? मेरा वकील मित्र नाराज हो गया, वह बोला हम काले कोट थोड़ी पहनते, हमारे कोट भी पहले सफेद थे, वो तो हमारे कारना में दिखते। न जाने कैसे कैसे विषयों से कविता निकल के आती है सर, मगर हमारे बम्बई फिल्मी नगरी जहाँ से फिल्मों में गीत आया, दिल है क्या मानता नहीं दिल तो पागल है, मगर सम्मान्य बड़े बड़े अतिथि यहाँ विराजमान है, ये दुनिया दिल से नहीं चलती सर, विचारों से चलती है। आपके विचार अच्छे थे, आपने कवि सम्मेलन को रखा, हमारे विचार अच्छे हम आए, विचारों का मिलना जरूरी है। मेरा एक दोस्त है सरदार जी, उसने कसम खाया था कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूँगा, पर एक दिन सुंदर सी महिला के साथ दिखा, इसके पहले कि मैं कुछ बोलूँ उसने ही कहा ये तेरी भाभी है पगले। मैंने कहा तूने तो कसम खाया था कभी शादी नहीं करूंगा, बोले हो इसने भी कसम खाई थी कभी शादी नहीं करूंगी, दोनों के विचार मिले फिर हमने शादी करी। विचारों का मिलना जरूरी है। मैंने कहा कब हुई शादी? बोले 3 साल हो गए। मैंने कहा बाल बच्चे? बोले बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले विचार नहीं मिल रहे।
कहीं ना कहीं विसंगतियां साथ में चलती रहती है सर। मेरे एक दिन दोनों खुश नजर आ रहे थे, सुबह सुबह कहीं जा रहे थे, मैंने कहा कोई खुशखबर दे रहे हैं, बोले हाँ हाँ हम दोनों तलाक ले रहे हैं। बोले इसकी भी इच्छा साथ में रहने की नहीं है, मेरी भी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मगर एक शब्द ऐसा है सर तलाक, जिसके मुंह पर आते ही चेहरे पर मायूसी छा जाती है, मगर मैंने वहां से भी हंसी को ढूंढने का प्रयास किया है। आनंद ले कि अरे कि मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ, मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ, तब तलाक के दस्तावेज पे दस्तखत के लिए मित्र के पत्नी ने मित्र से पूछा आपके पास पेन है क्या। मित्र सहजता से बोला बिछड़ते हुए भी तुमने किन शब्दों को छुआ है, अब पेन की क्या कमी है, सारा पेन तो तुम्हारा ही दिया हुआ है। आपकी कमजोर तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई सर कोरोना काल में न जाने हमारी हंसी कहाँ चली गई। तब मैंने पंक्तियां लिखी सर, आनंद की पंक्तियां पढ़ दें। ये अखबार में विज्ञापन छपा था, अखबार में विज्ञापन छपा था कि आप तनावग्रस्त है, 100% गारंटी, तनाव से मुक्ति पाइए, हमारे शिविर में आइए। मैं शिविर में पहुंचा, काफी भीड़ थी, एक आदमी कुर्सी पर बैठकर कुछ लिख रहा था मगर तनाव में दिख रहा था। मैंने पड़ोस में बैठे व्यक्ति से कहा उसे देखिए शिविर में आकर भी कितने तनाव में दिखता है। पड़ोसी ने कहा धीरे बोलिए, वही आज के वक्ता है। जहां वक्ता ही परेशान हो वहां आसपास से हंसी को ढूंढने का प्रयास करें। आइए समय के हिसाब से आपको सम्मान्य बड़े बड़े कवियों को सुनना भी है, मगर मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ बाबूजी वहां इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते नहीं, वहां तो जो भी कार्यक्रम होते सब नक्सलवादी करते। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई सभी पुलिस विभाग में है, हमारे खानदान में मैं अकेला कवि हूँ। कभी कभी तो मेरे पिताजी मुझे गौर से देखते आखिर गलती हुई कहाँ। एक दिन मेरे पिताजी ने कहा बाबूजी सच्ची बात बताता हूँ, बोले बेटा कवि सम्मेलन तो रात में रहते, दिन में पुलिस की नौकरी कर ले। मैंने कहा ठीक है पिताजी। मैं पुलिस के भर्ती में गया तो कमिश्नर साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले क्यों रे मद्रासी, तेरे हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती फिर भी तू आना पुलिस में भर्ती। तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा, मैंने कहा सर मेरा सिर्फ इतना है कहना, मैं तो ये बताने आया कि मेरे भरोसे पे मत रहना। तो कमिश्नर साहब मुस्कुराए, सम्माननीय सर कमिश्नर साहब मुस्कुराए, एक कांस्टेबल को बुलाए, उसके हाथ से टेप लिया, मेरे छाती से लगाया, बोले मद्रासी छाती फुलाओ। मैं अपनी छाती फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा सर मैं अपने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूँ। साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा थोड़े ऊपर लगाया, बोले मनाओ छाती और फुलाओ। मैं अपनी छाती और फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा सर मैं अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। फिर भी साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा थोड़े ऊपर लगाया, बोले मद्रासी छाती और फुलाओ। अपनी छाती और फुलाई, बोले चलो अब कोई ऐसी बात बोलो जिससे हमारी भी छाती फूल जाए। मैंने कहा सर 2,00,000 तक दे सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। मैंने तालियां और बजनी चाहिए मित्रों, बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर मैं पुलिस में तो भर्ती नहीं हो पाया, मेरा कई ऐसे अनुभव निकल के आते हैं। होली का समय, आपके भी शहर में पुलिस वाले गश्त पे जाते होंगे। पिछले 2 सालों से कोई कवि सम्मेलन नहीं था। पिताजी ने मुल्क बड़े निराश मत हो, बोले हमारे पुलिस की जीप में बैठ रात का समय। बोला ठीक है पिताजी, बोले हमारे साथ गश्त पर चल। रात में 12 बजे पुलिस की गाड़ी में जब बैठा मैं सम्माननीय सरदार जी, मैंने एक मशीन देखा। मैंने कहा पिताजी है, बोले ब्लिथ एनालाइजर ड्रग कंट्रोल, ये मशीन बताती है कौन सा आदमी शराब की गाड़ी चला रहा है, कौन सा बिना पिए चला रहा है। मैंने कहा मालूम कैसे पड़ता है, बोले बेटा देख इसमें फूकने पे अगर हरा लाइट जले समझना बिना पिए चला रहा है, और फूकने पे लाल लाइट जले समझना दारू पी की गाड़ी चला रहा है, शराब पी की गाड़ी चला रहा है। मैंने कहा ठीक है पिताजी। चौराहे पर पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी, हीरो होंडा पे 2 लड़के आए। पिताजी ने कांस्टेबल की तरफ देखा, कांस्टेबल ने लड़कों से कहा बोले फूको, लड़कों ने बारी बारी फूका, हरा लाइट जला, बोले जाने दो। बाद में एक 4-व्हीलर आई, 4 लोग बैठे थे। पिताजी ने कांस्टेबल से कहा, कांस्टेबल ने कहा बोले फूको, चारों ने बारी बारी फूका, हरा लाइट जला, बोले जाने दो। मैंने कहा पिताजी मैं देखना चाहता हूँ ये लाल लाइट जलता कैसे। बोले बेटा थोड़ी देर रुक जा, कोई ना कोई आएगा तो बता देंगे। सम्मान्य बाबूजी आधा घंटा हुआ कोई नहीं आया। मुझे परेशान होते देख पिताजी ने कांस्टेबल को बुलाया और कांस्टेबल से कहा बोले कोई फूक के बता दे लाल लाइट जलता कैसे। हालांकि ये काम पिताजी भी कर सकते थे। आनंद ले जहां से कोई हंसी निकल के नहीं आती, मैंने वहां से हंसी को ढूंढने का प्रयास किया है कि रात में गश्त के दौरान रास्ते में सो रहे कुत्ते को पुलिस वाले ने डंडे से मारा, कुत्ते ने गुर्रा के देखा और चुप हो गया बेचारा। मैंने कुत्ते से कहा अरे पुलिस वाले ने तुझे डंडे से मारा, क्या तेरे मन में उसे काटने के भाव नहीं जगे। कुत्ता बोला जगे, मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगे।
कुत्ता बोला जगे मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगे। जैसे ही पुलिस की जीप बड़ी आगे, दो चोर आ रहे थे भागे भागे। पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ा, अपना हाथ दिखाया तगड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों चोर मुस्कुराते हुए जाने लगे, तो मैंने चोरों से कहा शर्म करो थोड़ा, चोरी करने के बावजूद पुलिस वालों ने तुमको छोड़ा। तो एक चोर बोला ऐसे ही थोड़ी छोड़ा, कुछ हमने छोड़ा तब कहीं जाके उन्होंने। ये दौर ऐसा ही चलता रहेगा। पर आइए, जितना अच्छा आप सुन रहे हो तो अच्छा पढ़ने की हिम्मत भी होती है। किसी ने कहा भी है बाबूजी कि कोई तानसेन बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कानसेन जो तानसेन को सुनता है। आप सुनने वाले बड़े श्रोता बुद्धिमान होते हैं, कवियों का इतना बड़ा योगदान नहीं होता, श्रोता बुद्धिमान होते। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ, 6 दिन पहले मैं इंदौर गया था, संचालक ने कहा बोले समय बहुत कम है, 4-6 पंक्तियां पढ़ना। बाबूजी मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ, 4थी पंक्ति पे आपकी तालियां चाहूंगा। एक बुजुर्ग खड़े हुए बोले बेटा 4थी पंक्ति सुनाओ। बोले बेटा 4थी पंक्ति सुनाओ। मैंने जल्दी जल्दी में 4 पंक्तियां सुनाई। वो बुजुर्ग उठकर मंच पर आए, बोले मद्रासी मैंने आपको सब टीवी के मशहूर कार्यक्रम वाह वाह क्या बात में सुना था, आज यहाँ सुना, क्या लिखते हैं आप? मैं उनके चरण छुए। मैंने कहा बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नहीं मैं पूछ रहा हूँ क्या लिखते हैं आप। तब जाके मैंने 4 सार्थक पंक्तियां लिखी है कि अस्पताल में फल वितरण के दौरान, अस्पताल में फल वितरण के दौरान डॉक्टर ने कहा मरीज की तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ रही है साहब, कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप, कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप। वे बोले कमाल है, मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ, बाजार से लाकर ताजे फल खिला रहा हूँ और मेरे जन्मदिन की खुशियाँ गम में बदल रही है कैसे। और मरीज से बोले क्यों रे ताजे फल खाकर तेरी तबीयत बिगड़ रही है कैसे। तो मरीज ने हाथ जोड़ते हुए कहा बाबूजी आदमी मन के स्वभाव के सच्चे होना चाहिए, फल बाजार के नहीं फल करनी के अच्छे होना चाहिए, फल करनी के अच्छे होना चाहिए। इतने श्रेष्ठ कवियों के साथ कविता पढ़ने का मौका दिया। मैंने पूछा भी था सम्मान्य त्रिपाठी जी से, मैंने सर कवि गोरे चिट्टे बुलाए फिर एक ब्लैक पीस क्यों बुलाया? तो उन्होंने मुझे कारण बताया, बोले मद्रासी जी बात ऐसी है, बचपन में माँ अपने बच्चों को काला टीका लगाती ताकि बच्चों को किसी की नज़र ना लगे। मैंने कहा उससे मेरा क्या संबंध? बोले हम भी चाहते थे आज के कार्यक्रम को किसी की नज़र ना लगे, इसलिए तुम्हें बुलाया है। मैं भी ये चाहूँगा आप सभी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और खूब नाम कमाएं। पर आप सभी बुद्धिमान या विराजमान हैं, इतिहास के पन्ने पलट के देखना, जो लोग दिखने में काले हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया। कोफी अन्नान, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, अब्दुल कलाम, मनोज मद्रासी। समय अपने गति से आगे बढ़ रहा है, मगर उन्होंने कहा भी था कि सूरत काली अच्छी लगती है। दो ही चीज बनी है भगवान ने, गोरे या काले। फिल्मों में कई गीत भी आए थे, गोरों की ना कालों की दुनिया है दिलवालों की। मगर ये दुनिया दिलवालों की है ठीक है, मगर गोरों से ज़्यादा कालों की है। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ, अजंता की मूरत काली, अजंता की मूरत काली, गाती सुंदर फिर भी कोयल की सूरत काली। अजंता की मूरत काली, गाती सुंदर फिर भी कोयल की सूरत काली। यहाँ देवों में महाकाल पूजे जाते हैं और देवों में महाकाली, यहाँ देवों में महाकाल पूजे जाते हैं और देवियों में महाकाली। सावन के मौसम में घटा काली, जहाँ से पावन गंगा निकली उस शिवजी की जटा काली। सावन के मौसम में घटा काली, जहाँ से पावन गंगा निकली उस शिवजी की जटा काली। के टकटकी लगाए आँखों को धीर देते हैं, टकटकी लगाए आँखों को धीर देते हैं, ये काले बादल ही तो हम सबको नीर देते हैं, ये काले बादल ही हम सबको नीर देते हैं। माना माना के रंग बिरंगे कपड़े मशीन देती है, मगर सफेद कपास तो काली जमीन देती है, मगर सफेद कपास तो काली जमीन देती है। ये इंद्रधनुषी रंग, ये इंद्रधनुषी रंग, ये प्रकृति के रंगीन नजारे, ये इंद्रधनुषी रंग, ये प्रकृति के रंगीन नजारे। सब कुछ देखा है हमने आंख की काली पुतली के द्वारे, सब कुछ देखा है हमने आंख की काली पुतली के द्वारे। के बुरी नजरों से बचाती है, बुरी नजरों से बचाती है माँ, चांद से बच्चे को चंदन का नहीं काजल का टीका लगाती है। माँ चांद से बच्चे को चंदन का नहीं काजल का टीका लगाती है। कि गोरी राधा को भी तो शाम ही भाते हैं, गोरी राधा को भी तो शाम ही भाते हैं। और पितृपक्ष में बगले नहीं कौए पूजे जाते हैं, पितृपक्ष में बगुले नहीं कौए पूजे जाते हैं। कि गुलामी की रातों में सोते हुओं को जगाया था, गुलामी की रातों में सोते हुओं को जगाया था, हम कालों ने मिलकर ही तो गोरों को भगाया था।
हम कालों ने मिलकर ही गोरों को भगाया था, माना कि धरती की कोख में सोने और चांदी के जखीरे होते हैं, माना कि धरती की कोख में सोने और चांदी के जखीरे होते हैं, मगर याद रहे सिर्फ कोयले के खदान में हीरे होते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।